समय के साथ बॉलीवुड का संगीत भी बदल गया है। एक दौर था जब फिल्मों में गजल सुनाई देते थे, कव्वाली गाई जाती थी, लेकिन अब पूरा माहौल बदल गया है। बॉलीवुड के सबसे सफल म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं मीत ब्रदर्स। इसी जोड़ी के हरमीत ने नवभारत टाइम्स से आज के दौर के संगीत पर बात की। हरमीत बताते हैं कि उनके करियर में हैंगओवर, मुझे कैसे पता ना चला, हाई हील, इजाजत, बेबी डॉल और चिटियां कलाइयां जैसे गाने मील का पत्थर साबित हुए। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि आज के दौर में अब गजल गायब हो रहे हैं, यूथ गजल नहीं सुन रहा, वह इससे खुद को रिलेट नहीं कर पाता है। आज तो बॉलीवुड के दो ही सक्सेस मंत्रा हैं, या तो पार्टी सॉन्ग बनाओ या रोमांटिक गाना। हिंदुस्तान में अभी यही दो जॉनर चलते हैं। जो भी आपके गाने हैं पाजी, आप ये सोचते हैं कि सब आपके बच्चे हैं, आपके अपने, और सबसे उतना ही प्यार होता है, चाहे कोई चिटियां और बेबी डॉल जैसा हिट हुआ हो, चाहे कुछ ना हिट हुआ हो। लेकिन अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं और इसके बाद पांच गाने चुनने के लिए कहूं कि कौन से और पांच गाने आपके सबसे पसंदीदा हैं, वो कौन से होंगे इन दोनों के अलावा? इन दोनों के अलावा मेरे सबसे पसंदीदा गाने एक हैंगओवर है, सलमान खान ने जो गाया था, पहली बार अपने करियर में उन्होंने एक गाना गाया था। और हैंगओवर के अलावा मुझे कैसे पता न चला है ना, और जैसे मैंने बोला हैंगओवर तेरी यादों का, फिर तीसरा है हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे, फिर एक गाना था हमारा फेवरेट जो अरिजीत सिंह ने गाया था, ठीक है, ये गाना ये अगेन बड़ा गजल टाइप का था मेरा। एक्चुअली हम लोग की रोमांटिक गानों की बहुत स्ट्रेंथ है जो आने वाले समय में लोगों को जोर दिखाई देगी। एक बात कहो क्या ये इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है, ये सनी लियोनी के ऊपर एक गाना आया था, वन नाइट स्टैंड पिक्चर थी, तो पिक्चर ज्यादा चली नहीं इसलिए गाना बहुत फेमस नहीं हुआ, बट ये मेरा फेवरेट गाना है। तो हाँ यही हाई हील, हैंगओवर, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, और ये सब गाने जो है मेरे टॉप फेवरेट गाने, बेबी डॉल, चिट्टियां गलाइयां। एक और बाजी, मुझे कैसे पता ना लगा, मैंने बताया था आपको, मुझे कैसे पता ना चला। और एमबी म्यूजिक पे एक बहुत अच्छा गाना है मेरा यारी में, यारो दोस्तों के ऊपर है, तो वो गाना भी ज्यादा प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन वो गाना बहुत दम है। अगर आप, कई गाने होते हैं जो ज्यादा फेमस नहीं होते लेकिन अगर आप जाके सुनो आपको बहुत यारी में, चल इश्क में बदल दे, दो दोस्त दोस्त होते हैं उनका, कोई लड़का लड़की से कह रहा है कि चले अपनी दोस्ती को इश्क में बदल देते हैं, जो कि अक्सर होता है। एक चीज है, आपकी जब मैं फिल्मोग्राफी देख रहा हूँ, गानों की ग्राफी को क्या कहते हैं, गानों की लिस्टिंग को क्या कहते हैं, कुछ ऐसा फिल्मोग्राफी जैसा कुछ होता है? सॉरी फिर से बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे फिल्मोग्राफी होती है और वैसे गानों की जो लिस्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कोई शब्द है उसके लिए? हमारे शोज में कहते हैं मेडले, कहते हैं मेडले। अच्छा, जब मैं आपके गानों का लिस्टिंग देखता हूँ, लिस्ट देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर तरह का गाना है। आप लोग फेमस भले हुए हैं बेबी डॉल से या चिटियां कलाइया से या हैंगओवर से, लेकिन मैंने देखा आपके अंदर उतना ही गजल है, उतना ही मेलोडी आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरा है, और हर तरफ हर उसका गाना है। तो गजल चूंकि इस समय फिल्मों से बड़ी गायब गायब सी हो गई है, और आप लोग उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं लेकिन उतना सफल नहीं हो पा रहा है, मतलब हर जुबान पे नहीं आ पा रहा है, आपको लगता है गजल पे और काम करना चाहिए, खूब काम करना चाहिए इन दिनों? पहली बात तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत कम जर्नलिस्ट ये समझ पाते हैं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर किस तरीके का काम कर रहा है, हर तरीके का गाना दे रहा है, रोमांटिक भी दे रहा है, पार्टी भी दे रहा है, गजल टाइप भी दे रहा है, हर कोई इतना शार्पली, इतने माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो आपको बधाई दूंगा मैं कि म्यूजिक समझने वाले लोग भी जर्नलिस्ट हैं, आज के पत्रकार हैं देश में, खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि हाँ गजल क्या है, देखिए सर, गजल आजकल के जमाने में जो 70% जो देश का म्यूजिक सुनते हैं वो यूथ है, और यूथ जो है आजकल वो सब पार्टी सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग सुनती है। गजल एक वैसा जॉनर है जो कि थोड़ा ज्यादा डीप इमोशनल है, उसका राग ही ऐसा है, राग है, मतलब उसका राग नहीं, उसका कोई फिक्स राग नहीं होता, लेकिन उसका जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, जो उसका टेम्पो है, जो चलन है, और यूजली जिन जिन रागों में जिस तरीके से बनता है, वो बहुत ही एक रोमांस, डीप सैड टाइप होता है, तो वो यूथ उससे रिलेट नहीं कर पाती। तो
इसलिए गजल का फ्यूचर में आना बहुत मुश्किल है, ज्यादा बड़ा होना। उसकी एक सेगमेंट है, एक मार्केट है, जैसे पंजाबी म्यूजिक है, हरियाणवी म्यूजिक है, वैसे ही गजल का एक अलग सा मार्केट है जो कि चलता रहेगा धीरे धीरे, हल्का हल्का, पर उसको हम कितनी भी पुश करेंगे वो बॉलीवुड में नहीं चल पाएगा। वो ऐसा है कि 20 पिक्चरों में एक गाने, एक पिक्चर में एक गजल आ जाएगी, बस ऐसा ही हो सकता है। जैसे सूफी, सूफी कभी कभी आता है, पहले सूफी आया था बहुत, बट सूफी कभी कभी आता है, 5 पिक्चरों में एक गाना आता है। वो हर एक की एक मार्केट है, बट दो जॉनर चलते हैं। आपको बता दूं आज ऐसी चीज जो आपको शायद कभी किसी ने बताई ना हो किसी इंटरव्यू में, दो जॉनर में हिंदुस्तान में बहुत चलते हैं और चलते रहेंगे। एक है पार्टी सॉन्ग्स और एक है रोमांटिक सॉन्ग्स। हर म्यूजिशियन इसी पे फोकस करे क्योंकि यही जनता को चाहिए, और जनता हमारी भगवान है। जो जनता को चाहिए आप उनको वो नहीं खिलाओगे तो वो रूठ जाएगी। तो हमें भगवान सेवक है जनता के, और हमें वही खिलाना है, वही दे, वही गाने देने हैं। पाजी मैं कह रहा था कि जब जगजीत साहब थे तो उनका एक वो था गुलजार जगजीत का, जब कैसेट आती थी उनकी तो लूट मच जाती थी, आप एग्री करो आप मेरे को, मतलब वो जमाना भी था। तो अरे बिल्कुल, हाँ, तो गजल तो था, मतलब आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ आज, लेकिन गजल बिल्कुल था। सही कह रहे हैं। नहीं, गजल है, गजल मेरा आज भी फेवरेट जॉनर है, सही बताऊं, तभी तो मैंने इजाजत बनाया। इजाजत और हम लोगों ने जो बनाया, मुझे कैसे पता ना लगा। आप देखोगे कोई नहीं बना रहा आजकल गजल। हम तो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं गजल की और हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और यूथ को नहीं समझ में आ रहा है गजल। आप पता कर लो, आप सर्वे कर लो, लेकिन हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, जो लोग म्यूजिक को बहुत डीपली समझते हैं और थोड़ा अबव 30+ लोग हैं, वो लोग सब गजल जरूर सुनेंगे। चलती रहेगी, गजल का एक मार्केट है। लेकिन मैं बोला गजल चलती रहेगी, गजल की एक मार्केट है, बट जो कहते हैं ना पॉपुलर पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक, वो नहीं होना मुश्किल है।